हाँ जी अरे हड्डियाँ भी टूट जाएं तो कोई चिंता नहीं बाप भी चाहिए और धोमा भी चाहिए हाँ क्या ब्रह्मा भी चाहिए हाँ प्रजा पिता ब्रह्मा भी चाहिए और आत्माओं का बाप भी चाहिए है उनसे भरोसा नहीं मिलता वो तो सिर्फ अम्माएं हैं हाँ और बाप एक होता है और भारत में एक माता शरीर छोड़ देती है तो दूसरी शादी कर लेते हैं तीसरी कर लेते हैं चौथी भी कर लेते हैं तो माताओं से भरोसा मिलता है क्या नहीं और हाँ हाँ जी ठीक है मास्टर कहते हैं प्रैक्टिकल करने को शिव ज्योति बिंदु इम्प्रैक्टिकल है वो शरीर में प्रवेश करता है तब प्रैक्टिकल होता है इसलिए हम बच्चों का टाइटल है मास्टर सरस्वतीवान बाप का टाइटल सिर्फ सर्वशक्तिवान है और हिंदी भाषा कायदे मुजब नहीं है ये कौन सी मुरली में किसी ने सुना कि हिंदी भाषा कायदे मुजब नहीं है बेकायदे भाषा बाप आकर के बोलता है हिंदी भाषा तो इतनी कायदे की है कि जो मुख से अक्षर बोला जाता है वो ही लिखा जाता है अंग्रेजी में क्या लिखेंगे तो सी एच दो मिलाने पड़ेंगे क्या लिखेंगे तो सी डबल एच मिलाना पड़ेगा तीन तीन अक्षरों का मेल करें तब वो अक्षर निकलता है और हिंदी भाषा तो इतनी एक्यूरेट है इतनी सहज है कि कोई भी जल्दी जल्दी समझ सकता है पढ़ सकता है और हाँ वहाँ भाषा की जरूरत होगी जहाँ तुम्हारे वाइब्रेशन ही इतने तीखे होंगे दृष्टि की पावर ही इतनी तीक्ष्ण होगी कि तुम्हारा विमान भी आँख का इशारा समझेगा ऊपर तो ऊपर चढ़ेगा नीचे तो नीचे जाएगा दाएं तो दाएं जाएगा और बाएं तो बाएं जाएगा वहां भाषा की इतनी जरूरत नहीं पड़ती ये भाषा जो असुर होते हैं जोर से बोलते हैं या धीरे बोलते हैं है? आसुरी भाषा जोर से बोली जाती है और जो संस्कृत लोग होते हैं सभ्य लोग होते हैं वो
धीमे धीमे बोलते हैं। और विष्णु की चार भुजाएं दिखाई जाती हैं, ब्रह्मा होगा तभी तो विष्णु बनेगा, कि ब्रह्मा होगा ही नहीं विष्णु बन जाएगा। तो विष्णु को चार भुजाएं हैं माने चार मददगार हैं, और चारों ही मददगार आत्माएं एक जैसा पार्ट बजाने वाली हैं या अलग अलग प्रकार का पार्ट बजाने वाली हैं। भुजाओं को देखने से ही पता चलता है, कोई भुजा लेफ्ट हैंड है, कोई राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड में भी कोई भुजा नीचे की ओर है, कोई भुजा ऊपर की ओर है। तो चारों भुजाओं का अलग अलग प्रकार का पार्ट है, अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं, लेकिन वो स्वभाव संस्कार सब मिलकर के एक हो जावे। परंतु भुजाएं तो सहयोगी हैं, तो सवाल पैदा होता है किसकी सहयोगी है। हैं? शिव बाबा की सहयोगी है, पाठ बजाने वाला भुजा। माना जो शिव बाबा है वो नई दुनिया की पालना करता है, शिव बाबा नई दुनिया की पालना करता है, करता है नहीं? नई दुनिया की पालना करने वाले में प्रवेश होकर के वाणी भी नहीं चलाता है, क्योंकि विष्णु पतित है या पावन है, तो पावन में शिव का प्रवेश साबित नहीं होता है। तो जो चार भुजाएं विष्णु की दिखाई गई हैं मददगार के रूप में, वो शिव बाबा की मददगार तो नहीं साबित होती, तो किसकी मददगार है? है? अरे कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? वही आत्मा मददगार है जिसके चित्र में, जिसके चेहरे में बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। वो बुद्धि भुजाओं को चलाने वाली है, मनन चिंतन मंथन करने वाली है, और चारों भुजाओं को डायरेक्शन देने वाली है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है ब्रह्मा की इस समय हजार भुजाएं कार्य कर रही हैं, हजार बच्चे सहयोगी के रूप में हैं, तो चलाने वाला होगा तब तो भुजाएं चलेंगी। ये ऐसे ही चल पड़ेंगी है? जब जिस भुजा को डायरेक्शन दिया जाएगा तब ही वो भुजा अपना कार्य करेगी। इसलिए सहस्त्र भुजी ब्रह्मा का गायन है, तो पंचानन भी कहा जाता है। वो पांचवा मुख कौन है?
जिसे राम बाप कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि में ऊंचे से ऊंचे है प्रजापिता, और धर्म पिताओं को ऊंचे से ऊंचे नहीं कहेंगे, वो भी धर्म पिताएं तो हैं, लेकिन नंबरवार ऊंचे हैं। अपने अपने धर्म में धर्म पिता हैं, लेकिन सारी मनुष्य शक्ति के धर्म पिता नहीं है। इसलिए विष्णु के रूप में जैसे पांच आत्माएं कार्य करने वाली हैं, ऐसे ही पांच ब्रह्मा गए हुए हैं। और रात में पेट के लिए धंधा, दिन में सेवा के लिए। द्वापर कलयुग रात है या दिन है, तो वहाँ पेट का धंधा होता है या कौन सा धंधा होता है? पेट का धंधा होता है। असली प्रकृति की सेवा तो सतयुग त्रेता में होती है, जहाँ सब आत्मिक स्थिति में रहती है। यहाँ तो प्रकृति को पोल्यूट करते हैं या सेवा करते हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। और अपनी जो थोड़े टाइम के लिए ज्ञान धन देते हैं, अपनी जो थोड़े टाइम के लिए ज्ञान धन देते हैं, कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी, हाँ जी। सबसे कब तक ज्ञान धन जो देते हैं? बताया तो कि तीन मूर्तियां हैं, तीनों मूर्तियों का कार्यकाल बता हुआ है। कितना कितना ब्रह्मा का कितना था, उनका भी 33 साल। दूसरी मूर्ति का कितना था, वो भी 33 साल है। ज्यादा हो गया कैसे? है? हाँ, बाप प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन था तो ऐसे तो नहीं कहेंगे नहीं था। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 मनाया गया, तो 33 साल 69 से जोड़ना पड़े तो कितना वर्ष आता है? है? कितना हुआ? 69 से 36 हाँ, 33 साल जोड़ो, 2002 आता है। तो जो 2002 आया उसमें रुंग वर्ष और जोड़ दो। है? है? रुंग इसलिए कि जो कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो थोड़ा ऐड करते हैं। जैसे 100 रुपए में 1 रुपया ऐड करते हैं, 108 में 8 ऐड करते हैं, 1000 नहीं देंगे, 1100 देंगे। तो ऐसे ही जो 2003-04 का वर्ष आता है वो बुद्धि को पलटने के लिए जो ज्ञान जरूरी है रिहर्सल के लिए, वो चारों युगों की रिहर्सल का कार्यकाल पूरा हो जाता है बुद्धि के आधार पर। बुद्धि का काम पूरा होता है, नक्शे की प्लानिंग नई दुनिया की पूरी हो जाती है,
एक खाका बुद्धि में खींच जाता है तो प्रैक्टिकल भी बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो 2004 के बाद वो फाउंडेशन पढ़ना शुरू हो जाता है विष्णु के द्वारा, जो अव्यक्त वाणी में बोला है कि अफ्रीका ने असली सेवा आप शुरू की है। तो वो सेवा पहले चंद्रवंश में अंदर अंदर होगी या दूसरे वंशों में होगी? है चंद्रवंश में होगी, वो सूर्यवंशियों को पता नहीं चलेगा। जब सूर्यवंशियों को ही पता नहीं चलेगा तो इस्लाम बौद्ध वंशियों को पता चलेगा क्या? नहीं। तो वो सेवा चल रही है तीसरी मूर्ति की। जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। प्योरिटी से होता ही है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। दोनों कार्य की शुरुआत साथ साथ होती है या आगे पीछे होती है? स्थापना होगी तो विनाश शुरू हो जाएगा। पहले स्थापना फिर विनाश भी होगा। दोनों कार्य साथ साथ है। तो ऐसे ही महागौरी का कार्य चलेगा तो महाकाली अपना फाउंडेशन डालना शुरू नहीं करेगी क्या? है करेगी या कर चुकी है? है कर चुकी है। और कौरवों के तो ढेर सेनापति हुए लेकिन अब पांडवों का जो सेनापति था वो शुरुआत से ही कौन था? द्रौपदी का भाई दशदुम्न, जो कांपिल्य नगर के यज्ञ कुंड से द्रौपदी के साथ साथ भाई भी पैदा हुआ था। पहले भाई की पैदाइश, बाद में द्रौपदी की पैदाइश। वो पांडवों का सेनापति था। रुआनी गवर्नमेंट का सेनापति था। और है सभी बातों का अर्थ तुरंत नहीं बताया जाता। सब अभी बता देंगे तो आगे चल के क्या बता देंगे? घोटाला नहीं पैदा करो। और जोर से बोलो। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद प्रमाणे प्रकश्य रूपेण, आह्लाद माने खुशी देने वाला, जो प्रकश्य रूप से खुशी देता है प्रजा को
संसार को उसका नाम पड़ा है प्रह्लाद। भगवान उसकी रक्षा के लिए हर हालत में बांधा हुआ है और उसके ऊपर प्राणघाती आक्रमण करने वाला है हिरण्यकश्यप। क्या नाम दिया? हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाला। जो सोने जैसा पुरुषार्थ करने वाली, सच्चा सच्चा पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं, उनके काश्य माने याद रूपी तेज को, पवित्रता रूपी तेज को जो पीने वाले हैं, वो है हिरण्यकश्यप। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी बैठे हुए हैं। वो प्रह्लाद को प्राणघाती हमले कर करके समाप्त करना चाहते हैं। एक ही बात को अनेक रूपों से दिखाया है शास्त्रों में। जैसे कंस कृष्ण को अनेक प्रकार के हमलावरों को भेज भेज करके खत्म करना चाहता था, ऐसे प्रह्लाद एडवांस पार्टी में भी है, जिनके लौकिक परिवार वाले भी उनके दुश्मन बन जाते हैं और अलौकिक भी के परिवार वाले भी उनके दुश्मन बन जाते हैं। दोनों का कनेक्शन है। कभी पहाड़ जैसी ऊंचाइयों पर चढ़ाई दिया जाता है, बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं पुरुषार्थ में, फिर ऐसी परीक्षा लेता है, एकदम नीचे डुबोता है, परंतु फिर भी हमारा रक्षक कौन है? भगवान हमारा रक्षक है। कुरान में लिखा हुआ है, जब विनाश होता है तो जो भगवान के बंदे हैं, भगवान खुदा उनका रक्षा करता है। कभी सर्प से डसा जाता है, मना काम विकार रूपी सर्प समाप्त करना चाहता है, उसको योगी रूपी ब्राह्मणत्व जीवन को, परंतु फिर भी बच जाता है। कभी होलिका काम रूपी अग्नि में लेकर बैठ जाती है, रिजल्ट ये होता है कि योग बल की शक्ति से वो होलिका जल जाती है और प्रह्लाद बच जाता है। योग बल कहो, बाप का याद बल कहो, उसमें इतनी ताकत है। फिर लास्ट में खम्भे से बांध देते हैं। क्या खम्भा क्या है?
है पिलर हाँ माने वो जो शरीर रूपी खंभ है अंत में देह अभिमान का इतना आवरण चढ़ता है कि वो शरीर रूपी खंभ में वो आत्मा अपने को बंधा हुआ पाती है। फिर हिरण्यकश्यप आक्रमण करता है, फिर क्या होता है, खंभ फाड़ के स्वयं भगवान नरसिंह के रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जो नर रूपी खंभा है, शरीर रूपी खंभा, वो शरीर सिंह के आकार में, आधा सिंह और आधा मानवीय रूप, उस रूप में प्रत्यक्ष होकर के हिरण्यकश्यप का अंत हो जाता है। ये मिसाल दिया जाता है, ऐसा कोई होता नहीं है आधा नर और आधा शेर, लेकिन शेर का जो शरीर है उस शरीर में कौन सा भाग है जो शेर के रूप में लोगों को ज्यादा याद आता है, है? जो शेर का चेहरा है वो ही उसकी यादगार दिलाता है, आंखों की तीव्रता, मुख से ज्ञान की दहाड़, जिस दहाड़ का मुकाबला हिरण्यकश्यप रूपी सन्यासी भी नहीं कर सकते। ऐसे वो स्वरूप दिखाया जाता है, है? एक मिनट है, हाँ हाँ जी, अंदर नहीं मारेंगे, बाहर नहीं मारेंगे, बीच में मारेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सतयुग त्रेता रूपी दिन में नहीं मारेंगे क्या, और द्वापर कलयुग रूपी रात में भी नहीं मारेंगे। अंदर नहीं मारेंगे का मतलब भगवान का बनाया हुआ जो घर है उस मंदिर के अंदर भी नहीं मारेंगे, माने स्वर्ग में भी नहीं मारेंगे, और बाहर की दुनिया जो संसार रूपी जंगल है उसमें भी नहीं मारेंगे, बीच में मारेंगे, है? न आकाश में मारेंगे और न पाताल में मारेंगे, बीच में मारेंगे। इसका मतलब अति ऊंची स्टेज भी नहीं होगी और नीची स्टेज भी नहीं होगी, संगम युग होगा। ये कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, नई दुनिया का पक्का पक्का फाउंडेशन पड़ गया होगा और पुरानी दुनिया का विनाश शुरू हो गया होगा। हाँ जी, बाप चला जाएगा तो बच्चे का हाल क्या होगा? 2018 में बाप चला जाएगा,
2000 में जो अव्यक्त वाणी बोली 2000 के आसपास, वहां भी बोला बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गया और दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गया। तो 2018 में जब रिजल्ट निकलेगा उस समय पास विद आनर होने वाले बच्चे कितने होंगे और कच्चे कितने होंगे? कितने होंगे बोलो? है? अरे 2018 में जो पास विद आनर होने वाले बच्चे हैं वो कितने होंगे जो निश्चय बुद्धि होंगे अंत तक? 8। और बाकी सब अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। तो मर गए या जिंदा हुए? हैं? तो जिंदा होंगे वो बाप से मिलेंगे या जो मुर्दा हो गए वो मिलेंगे? हाँ बैठ जाओ। हाँ ऐसे है, काम कहते हैं इच्छा को। काम माने इच्छा, क्या कामना है? तो कामना का मतलब यही नहीं कि काम विकार। काम विकार जो है वो मनुष्यों से लेकर के सभी प्राणियों में मुख्य विकृति है, मुख्य कामना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक कामना होती है, और भी तो कामनाएं होती हैं। होती है या नहीं? होती है। तो इसलिए युधिष्ठिर के साथ जो कुत्ता गया उसका मतलब ये हुआ कि युद्ध में स्थिर रहने वाली जो भी आत्माएं हैं नई दुनिया में जाने वाली, युधिष्ठिर जैसी आत्माएं होंगी कि नहीं होंगी? उनके अंदर एक कामना जरूर रह जाएगी। वो कामना है सुख की नई दुनिया में जावे और सुख की नई सृष्टि चला संचालन करें। ये कामना होगी कि नहीं होगी सुखधाम जाने की? तो सुखधाम में जो युद्ध में स्थिर रहने वाली आत्मा है उसके अंदर भी कामना रहेगी, नई सृष्टि संचालन करने की कामना। और वो कामना आंखों तक सीमित होगी। क्या? कौन सा सुख लेंगे? आंखों का सुख लेंगे। जो राधा है, जो कृष्ण वैसे बच्चे हैं, वो राधा कृष्ण एक दूसरे से दृष्टि का सुख लेंगे, ये कामना रहेगी। ये कामना ही काम विकार का बीज है। इसलिए बोला कि युधिष्ठिर के साथ भी कुत्ता गया, लेकिन जो नई सृष्टि की वास्तव में फाउंडेशन पड़ने वाली प्रक्रिया थी, उस ऊंची स्टेज की प्रक्रिया में 5 पांडवों में जो कुत्ता साथ था उसमें पहले पहले कौन गलमरा? है? कुत्ता गलमरा। 5 विकारों के साथ साथ जो युधिष्ठिर के साथ कुत्ता गया था ऊंची स्टेज में,
वो कुत्ता पहले गल मरा, उसके बाद और चार पांडव, बाद में पहले द्रौपदी गल मरी, फिर चार पांडव में से वो पांच पांडव में से चार पांडव गल मरे, अंत में एक युधिष्ठिर रह गया। कौन था वो युधिष्ठिर? प्रजापिता वाली आत्मा। जो प्रजापिता वाली आत्मा है उसके अंदर देह अभिमान का, देह से सुख भोगने की इच्छा का कोई भी नाम निशान नहीं रहता। देह के कोई भी अंग से कोई भी प्रकार का सुख साथी से लेना ही नहीं है। फिर भी प्रवृत्ति मार्ग है या नहीं है? वाइब्रेशन के आधार पर है, देह के सुख के आधार पर नहीं है। तो कहेंगे कि कुत्ता भी गया है, कामी कुत्ता भी साथ नहीं रहा अंत में। और बाबा तो बोला देवता का कोई जानी तो नहीं होगा, क्यों नहीं होता? जो जैनी मुनि होते हैं, जैन साधु होते हैं, वो जिनको फॉलो करते हैं, जिनका अर्थ है जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, तो जिनको फॉलो करने के कारण वो जैनी साधु अपने बालों को नोच लेते हैं एक एक करके, दाढ़ी मूछ के बाल भी या जहां कहीं भी बाल हो, सिर्फ दाढ़ी मूछ के बालों की बात नहीं है, एक एक बाल करके नोच देते हैं, क्योंकि जो बाल जड़ से उखाड़ दिया जाएगा तो फिर दोबारा पैदा नहीं होगा। अब ये आर्टिफिशियल है या वास्तविक है निर्विकारी बनना, ये तो आर्टिफिशियल संसार को दिखाने वाली बात हो गई कि हम निर्विकारी हैं, हमारा काला मुंह नहीं है। वास्तव में इस दुनिया में सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं, सब कलमुहे हैं, एक भी गोरा मुख वाला नहीं। इसलिए मुरली में बोला है घर घर में वैश्यालय है। जब मनुष्यों के घर घर में वैश्यालय है तो और जानवर क्या शिवालय में आ जाएंगे? है जानवर में तो पहले ही जानवर वृत्ति होती है, मनुष्यों के मुकाबले जास्ती होती है। इसलिए ये बात समझ में आ जाती है क्या किसी प्रश्न किया था? हाँ अब समझ में आ गया ना? हाँ कि दुनिया में भले कोई कितना भी दिखावा करे लेकिन वास्तव में सब के मुंह काले हैं, कोई भी गोरा देवता नहीं है, कोई भी इंद्रियों को जीतने वाला नहीं है। जब नई दुनिया होगी तो नई दुनिया में सब पावन होंगे, सब गोरे मुख वाले होंगे, कोई भी कलमुहा नहीं होगा। और लास्ट में
समझा हाँ क्या बोला फिर से बोलिए आठ धर्मों में जाके जन्म लेते हैं आठ धर्मों में जाके जन्म लेते हैं अंतिम जन्म में जाके गिरते हैं हाँ अंतिम जन्म में जाके गिरते हैं हाँ हाँ जो जिस धर्म से जन्म लेते हैं उसी धर्म को बनाने के लिए उसको निमित्त करना पड़ता है वहाँ क्या धर्मों का फाउंडेशन पड़ता है कलयुग के अंतिम जन्म में क्या धर्मों का फाउंडेशन पड़ता है यहाँ की बात है ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया की बात है कि जब फाइनल पेपर होता है तो माया किसी को छोड़ती नहीं है जिस एक को छोड़ती है उसको तो पहले ही लपेट में ले लिया था तब यज्ञ के आदि में उसमें तो मुकर्रर रूप से बाप का प्रवेश होता है बाकी जो सात हैं, जो अंतिम जन्म में अंतिम समय में भी माया की चक्करी में आ जाते हैं कुछ न कुछ प्रभावित हो जाते हैं 10-20-50 सेकंड के लिए भी अगर प्रभावित हुए तो शूटिंग हो गई या नहीं हो गई हो गई वो फाउंडेशन पड़ जाता है जो नौ नंबर का है वो है पुत्रार्थ हाँ जी तो कौन सी धर्म का ठीक है तो कौन सा धर्म का ठीक होगा सूर्यवंश चंद्रवंश इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सन्यासी मुस्लिम और सिख ये हैं पक्के पक्के आस्तिक भगवान को जानने वाले मानने वाले और आस्था रखने वाले बाकी जो आर्य समाज है वो तो द्वापर युग शुरू होते ही जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात इस्लाम धर्म आया देखा कि बढ़ोतरी हो रही है तो वहां कन्वर्ट हो जाते हैं फिर बौद्धी धर्म आया वहां कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम धर्म से श्रद्धा उखड़ जाती है तो क्रिश्चियन आए क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए बौद्धियों से श्रद्धा उखड़ जाती है माने जन्म जन्मांतर उनका श्रद्धा उखड़ती रहती है किसी धर्म पर उनकी अपेक्षा नहीं रहती इसलिए इस अंतिम जन्म में आर्य समाजियों का राज्य होता है कौन सा राज्य बनता है धर्म निरपेक्ष राज्य हमें किसी भी धर्म की अपेक्षा नहीं है कोई भी धर्म को मानो हमको सिर्फ गद्दी पे बैठाते रहो इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है भगवान की नजरों में क्योंकि वो साकार को मानता ही नहीं जब साकार को मानता नहीं तो साकार में वर्षा ले लेगा है साकार में वर्षा सुख शांति का राज्य में मिलता ही नहीं गद्दी पे बैठते हैं पत्थर मार के कोई नाक तोड़ देता है, है?
हाँ गद्दी पे बैठते हैं बैठते ही कोई जूता मुंह में मार देता है। अरे ये कांटों का ताज है या फूलों का ताज है? ये तो कांटों का ताज है, ये राजा ही नहीं है भगवान की, ये तो मनुष्य गुरुओं से प्रभावित होने वाले हैं। सदगुरु से प्रभावित होकर के नहीं रहते, इसलिए बीके आश्रम की भी हिस्ट्री देख लो, सबसे ज्यादा विरोध किसने किया, कौन से धर्म वालों ने किया? आर्य समाजियों ने। यहाँ एडवांस पार्टी में भी जो आर्य समाजियों के फॉलोअर्स होंगे ढेर का ढेर लिटरेचर छपाने वाले होंगे, और शुरुआत से ही एडवांस ज्ञान में भला है, लेकिन अंदर से साकार के ऊपर अनास्था झलकती होगी शुरू से ही। वो पहले पहले पार्टियां बाजियां करते हैं, अनास्था अपनी साबित कर देते हैं। वो कोई भी राजाई का वर्षा भगवान बाप से नहीं पा सकते। हाँ जी ऊंचा स्थिति माने ऊंचे के संग रहते हैं, हीरो पाटधारी का साथ निभाते हैं, औरों का साथ नहीं निभाते हैं। हाँ जी हाँ है ना, जब तक संसार में भगवान बाप को सब धर्म की आत्मा नहीं पहचान लेती है, तब तक माया का प्रभाव या भक्ति का प्रभाव चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? दुनिया में तेजी से नास्तिक धर्म फैल रहा है या नहीं फैल रहा है? तेजी से फैलता चला जा रहा है। हर धर्म वालों में नास्तिकता बढ़ती जा रही है, सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म वालों की नहीं बात नहीं है। तो जब हर धर्म में नास्तिकता बढ़ रही है तो माया का प्रभाव बढ़ रहा है या घट रहा है? इसलिए जब तक टोटल दुनिया का विनाश न हो जाए तब तक भक्ति का भी विनाश नहीं हो सकता। आखिरी ज्ञान मार्ग की दुनिया सुरक्षित हो जाएगी और भक्ति मार्ग की दुनिया खलास हो जाएगी। और है ऐसे नहीं है कि अष्ट देवों का मंदिर नहीं बनता है, ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनता है, ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनती है, और मूर्ति और मंदिर नहीं बनता है तो पूजा भी नहीं होती है। लेकिन अष्ट देवों की तो पूजा भी होती है, मूर्तियां भी बनती है,
और मंदिर भी देखे जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में अष्टदेवों के मंदिर नहीं बनाए जाते, अष्टदेवों की मूर्तियां नहीं बनाई जाती, लेकिन हाँ क्या हाँ किसका ग्रह जो है वो तो जब भी कहीं अनुष्ठान होता है उत्तर भारत में, शादी हो, यज्ञोपवीत हो, कोई भी अनुष्ठान होगा तो पटली पर नवग्रह बना लेते हैं, वो कोई मंदिर नहीं हो गया, वो कोई मूर्ति नहीं हो गई, हाँ वो उसे कोई स्थापना नहीं कहेंगे विधिवत। वास्तव में दक्षिण भारत में ढेर के ढेर मंदिर हैं, अष्ट देवों की मान्यता है, मूर्तियां हैं, उसका कारण ये है कि कलयुग के अंतिम जन्म में जो भी जहीन जहीन आत्माएं हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, वो लौकिक दुनिया में भी भारत के अंदर रहते हैं या विदेश में सेवा करने चले जाते हैं, है? है? जो जहीन है, ज्यादा बुद्धिमान है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे पास होते हैं, वो भारत में रहते हैं कि विदेश में चले जाते हैं? विदेश में चले जाते हैं सेवा करने। इस बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। संगम युग में अंतिम जन्म में वो आत्माएं दक्षिण भारत की सेवा करने की विशेष निमित्त बनती है, क्योंकि बाप ही अष्ट देवों में है या नहीं है, और वो बाप का पार्षधारी भी बाप विदेशी बन करके आया है या स्वदेशी बन करके आया है? क्योंकि भारत में तो, उत्तर भारत में तो कोई बात सुनता ही नहीं, तो जो सुनता है प्यार से, समझता है, उसको सुनाना जरूरी है, या जो सुनते ही नहीं उनको सुनाना जरूरी है? तो दक्षिण भारत है भारत का विदेश, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, तो अभी भी चाहे बाप हो, चाहे बाप के जन्म जन्मांतर के सहयोगी बच्चे हो, जितनी सेवा विदेशियों की माने दक्षिण भारतवासियों की कर रहे हैं, उतनी भारतवासी उत्तर भारत के लोग सेवा नहीं ले रहे। इसलिए दक्षिण भारत में अष्टदेवों की मूर्तियां भी हैं, मंदिर भी हैं, और पूजा भी होती है। और अभी घूम रहा है। माने 63 जन्म में आपने पाप ही पाप किए हैं, क्या कभी पुण्य नहीं किए हैं? है? आप कहिए पुण्य भी किए हैं ना? तो इस शूटिंग पीरियड में जब रील घूमती है तो कभी पाप उदय होते हैं, तो कभी पुण्य उदय होते हैं, और जब पुण्य की उदय की रील घूमती है तो ना चाहते वो भी पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है, और जब पाप कर्मों की रील घूमती है तो कितना भी पुरुषार्थ करें फिर भी वो पाप कर्म हमको गड्ढे में
गिरा देते हैं। तो पापों का हजर बावला सौ गुना दोगुन भोजा हो जाता है। हाँ बाबा में याद करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कैसे पाप करते हैं जब सौ गुना पाप का बोझा चढ़ेगा। कोई आदमी है या गधा है, गधे के ऊपर 50 किलो वजन तो चल जाएगा, अब 100-150 किलो वजन रख दिया जाएगा तो वो चलेगा, दौड़ेगा, उड़ेगा, क्या करेगा कि बैठ जाएगा। पहले अमृत वेले का पुरुषार्थ सब कहते हैं अच्छा होता था, बेसिक में कहते हैं हमारी अवस्था बड़ी अच्छी थी। और अब अमृत वेले का पुरुषार्थ क्यों नहीं कहते हैं कि हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है, क्योंकि 100 गुना पापों का बोझ चढ़ता जा रहा है। एक भी श्रीमत की अवहेलना की तो ड्रामा प्लान अनुसार पूर्व जन्मों के पापों का बोझा उसी समय दबोच लेता है। पापों का बोझा कहो, माया का हमला कहो, बात तो एक ही है। बाप ने माया को डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो उनको खूब फटकाओ। तो ये ड्रामा बना हुआ है। 63 जन्मों में भी चलो निराकारी बाप तो नहीं होता है, लेकिन मनुष्य सृष्टि का साकारी बाप तो होता है या नहीं होता है? होता है। उसकी बरखिलाफी की होगी या नहीं की होगी किसी ने? है? जरूर की होगी। जो यहाँ कर रहे हैं वो वहां भी की होगी, संकल्पों से बरखिलाफी की होगी, दृष्टि से बरखिलाफी की होगी, वाचा से बरखिलाफी की होगी, कर्म इंद्रियों से बरखिलाफी की होगी, हर प्रकार से बरखिलाफी की होगी। तो जो 63 जन्म जिन्होंने जहां जहां बरखिलाफी की वो श्रीमत की अवहेलना की शूटिंग का स्वरूप सामने आता है या ऐसे ही आ जाता है? वर्तमान शूटिंग पीरियड में जो हम कर रहे हैं वही 63 जन्म फिर सामने आएगा, कुछ दूसरा आएगा? और हाँ सुनो सुनो ध्यान से। जब जगदम्बा एक एक सामने नौका पर नाव पर चढ़ के आता है, कभी हाथी पर चढ़ के आता है, उसका क्या? एक एक काल में जब ये देखता है जब जब होता है कामना है कि माता जी अभी जग में आएगा, कोई साल नाम में आएगा, हाँ ऐसा कामना है ना, हाँ इसका अर्थ क्या? अरे नाव क्या चीज है? नाव माने जीवन रूपी नैया, यही नाव है। कभी हाथी पे चढ़ के आती है, जो हाथी रूपी महारथी है उसके ऊपर सारा बोझ है पुरुषार्थी जीवन का डाल करके आती है। कभी घोड़े पर भी आते हैं, घोड़ा जो है उसमें शिफ्ट होती है, घड़ी में आगे जाएगा, घड़ी में पीछे आएगा। हाथी ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो ऐसे जो घुड़सवार पुरुषार्थी हैं, उनके ऊपर भी जगदम्बा का सवारी होती है, इसलिए दिखाते हैं। और हाथ उठा दो। हाँ पांडव ने अस्त्र दिया है, अस्त्र देता है तो पांडव का तो एक किया है, मतलब
जो भी ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं वो शिव बाप जो देते हैं वो मूर्तियों के द्वारा देते हैं कि ऐसे ही परम नाम से टपकाते हैं है? मूर्तियां हैं ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मिले हुए हैं हम बच्चों को, भले उनमें ज्यादा ताकत नहीं है, अधूरे हैं। जैसे ये अस्त्र तो मिला है ना कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बड़े बड़े विद्वान दिग्गज और सन्यासियों की बुद्धि चकरा जाती है ब्रह्मा कुमारियों की ये बात सुन करके। तो अस्त्र तो हुआ ना कि नहीं हुआ? मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। बड़े बड़े विद्वान आचार्य जब उनकी बातें सुनते हैं तो बुद्धि चकरा जाती है कि बात तो सही है। तो ब्रह्मा के भी अस्त्र हैं, ब्रह्मा द्वारा भी यज्ञ के आदि में जगदम्बा जो बेटी कही जाती है, ब्रह्मा की बेटी, उसने ब्रह्मा से कुछ लिया है या नहीं लिया है? है? लिया है, ब्रह्मा के रूप से ही लिया है, भले ब्रह्मा का रूप कोई भी हो। ऐसे ही शंकर के स्वरूप से भी जगदम्बा ने कुछ लिया है या नहीं लिया है? लिया है। ऐसे ही जो स्ट्रिक्ट पार्ट है शंकर का और जो लीनेंसी का पार्ट है ब्रह्मा का, उन दोनों मूर्तियों के पार्ट के बीच में तटस्थ रह करके जो पार्ट बजाने वाली मूर्ति है, न ज्यादा कठोर और न ज्यादा मृदुल, जहां जितनी कठोरता की जरूरत है उतनी कठोरता और जहां जितनी मृदुलता की जरूरत है उतनी मृदुलता, बैलेंस वाली मूर्ति कौन है? वैष्णवी शक्ति। वो वैष्णवी शक्ति जो प्रैक्टिकल जीवन बिताने वाली है, उसके प्रैक्टिकल जीवन से कुछ शिक्षा जगदम्बा की आत्मा लेती है या नहीं लेती है? अगर नहीं लेगी तो लक्ष्मी के साथ मिलकर के महालक्ष्मी के रूप में उसका गायन नहीं हो सकता। तो ये तीनों मूर्तियों के द्वारा जगदम्बा जो बेटी कही जाती है ब्रह्मा की, वो कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र ज्ञान के धारण करती है। इसलिए दिखाया गया है कि देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र दिए,